चलिए आज मैं आपको संस्कृत के बेसिक क्लियर्स करवाऊंगी। जब छोटा बच्चा होता है तो उसको सबसे पहले वो क्या करता है, घुटनों के बल चलता है, और घुटनों के बल चलना भी उसे उसकी मम्मी या पापा सिखाते हैं। अभी आपको काफी दिन हो गए हैं, हमने संस्कृत में पहला चैप्टर भी पढ़ा, दूसरा भी पढ़ा और तीसरा भी पढ़ा, परंतु हमें संस्कृत पढ़ने के लिए आपका जो सिक्स क्लास का संस्कृत है वो आपने अभी प्रारंभ किया है ना, आपने संस्कृत इससे पहले पढ़ा नहीं है, तो आपके लिए एक नया सब्जेक्ट भी हो गया ये। तो इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टेड बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए हमें इसे रुचिपूर्ण इसमें बातें डालनी पड़ेगी, तभी हमें संस्कृत में मजा आएगा। जैसे हिंदी और संस्कृत, ये दो विषय ऐसे हैं, या इंग्लिश भी हम ले सकते हैं, लिटरेचर जो सब्जेक्ट है उनमें हमें ग्रामर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। तो मैं आज आपको पहला हमारा जो उप विषय होगा, मतलब पहला जो हमारा टॉपिक होगा, वो हमारा टॉपिक होगा धातु विषय। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे धातु। आपको पहले पीडीएफ भेजा तो उसमें बताया कि धातु क्या होती है। धातु का मतलब होता है क्रिया, और क्रिया आपने हिंदी में पढ़ी है, धातु का मतलब क्रिया। और क्रिया क्या होती है, जो किसी कार्य के करने का बोध करवाती है, किसी काम होने का बोध करवाती है, वह क्रिया होती है। तो हिंदी में हम इसे क्रिया कहते हैं, उसे ही संस्कृत में धातु कहते हैं। तो ये तो बात समझ में आ गई होगी कि क्रिया का जो मूल रूप होता है वह धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप, जैसे देखिए मूल रूप का मतलब क्या है, अगर हम हिंदी में लेते हैं, जैसे मान लीजिए चलना, क्या है चलना, और चलने का मूल रूप क्या है, चलना किससे बना है, चलना चल से बना है, ठीक है। जैसे पढ़ना, तो पढ़ना किससे बना है, पढ़ना पढ़ से बना है। तो जैसे हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं कि चलना, तो चल हमने चल बनाया तो चलना बना, पढ़ना तो पढ़ बनाया। जैसे हंसना, तो कोई हंस रहा है तो वो क्या क्रिया कर रहा है, हंसने की क्रिया कर रहा है। कोई खेल रहा है तो खेल से वो क्या कर रहा है, खेलना। कोई दौड़ रहा है, दौड़ना, रो रोना। तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि हिंदी में जिसे क्रिया कहते हैं उसे संस्कृत में धातु कहते हैं। तो धातु की परिभाषा क्या बनी, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि हम हिंदी में भी करते हैं कि चल चलना, पढ़ पढ़ना, खा खाना, हंस हंसना। तो आज हम संस्कृत में धातु तालिका आपको बताएंगे। ये धातु तालिका सबसे पहले इसलिए भी समझी जाती है कि जब हम किसी भी पाठ का अध्ययन करते हैं संस्कृत में, तो वहां पर हमारे धातु जो है वो उपयोग में आते हैं। तो हम क्रम वाइज इन व्याकरण का जो है अध्ययन कर रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने हमेशा पढ़ा है कि तीन पुरुष होते हैं, तीन पुरुष होते हैं, जिसमें पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। ये आपको पहले भी बताया गया है। आप हमेशा जब भी धातु तालिका बनाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें हमेशा तीन पुरुष लेने हैं। कितने पुरुष लेने हैं, तीन पुरुष लेने हैं। तो ये यहाँ पे देखिए, आपने पहला, जैसे यहाँ पे आपने हैरी डाली की पुरुष, ये छोटी छोटी चीजें आप जब संस्कृत में सीख जाओगे तो आपको संस्कृत विषय बहुत आसान लगेगा। तो मैंने यहाँ सबसे पहले आपको बताया, एक टेबल बनाई जिसमें मैंने बताया पुरुष। तो पुरुष में पहला मैंने क्या बताया आपको, प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। तो समझ में आई बात कि पुरुष, एक देखो एक प्रश्न भी बन गया कि पुरुष कितने होते हैं, पुरुष तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो अब आपको ये बात दिमाग में डाल लेनी है, जब भी हम धातु तालिका अर्थात धातु की टेबल बनाएंगे तब हमें पहला पॉइंट पुरुष लेना है, जिसमें हमें तीन पुरुष डालने हैं। अब इसके बाद में हम वचन लेते हैं। आपने हिंदी में हमेशा पढ़ा है ना, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है वचन कितने लेंगे, यहाँ पर हम वचन लेंगे तीन। कितने वचन लेंगे, तीन लेंगे। जैसे देखो एक वचन, एक वचन जिसमें एक वचन की क्रिया होती है, मतलब जिसमें एक व्यक्ति वस्तु किसी का भी पता लगता है। फिर उसके बाद में है हमारा द्विवचन, द्वि का मतलब हो गया दो,
ठीक है। और उसके बाद में हमारा आता है बहुवचन। बहुवचन मतलब जिसमें एक दो या उससे भी ज्यादा वस्तुओं का हमें ज्ञान होता है वह बहुवचन होता है। तो आपको समझ में आ रही है बात कि पहला हमने धातु तालिका में धातु की टेबल बनाने के लिए हमने क्या लिया, पुरुष लिया। उसके बाद में हमने वचन लिए, पुरुष हमने तीन लिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। उसके बाद में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हिंदी में तो हम हमेशा एक वचन और बहुवचन ही पढ़ते हैं, परंतु संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब इसके बाद में देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, समझ में आ रहा है सबको। जैसे कि संज्ञा, आपने हिंदी में हमेशा संज्ञा पढ़ी है, ठीक है, और आपने हिंदी में सर्वनाम भी पढ़े हैं, किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान पर और संज्ञा के स्थान पर काम आने वाली। तो यहाँ पर संस्कृत में भी संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, परंतु थोड़ा सा उनका जो पढ़ने का तरीका है या उनका जो रूप है वो थोड़ा परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ मैंने आपको संज्ञा बताई, तो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले सर्वनाम पढ़ा है हमने हिंदी में। आज हम संज्ञा और सर्वनाम की टेबल कर रहे हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो आपको एक वाक्य दे दिया कि वह दोनों, ठीक है, वह दोनों खेलते हैं या वह दोनों। अब आपको पता है कि हमने संज्ञा की टेबल पढ़ी, तो संज्ञा मतलब वह, सह माने तो वह हो गया। अब ये दोनों जो है वो इसके साथ कैसे ऐड करेंगे, हमें क्या पता लगेगा कि ये कैसे होगा। तो यहाँ पर हमें धातु तालिका का ज्ञान होना जरूरी है, समझ में आ रही है। तो आज मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले हम संज्ञा की तालिका लेंगे। किसकी तालिका पढ़ रहे हैं हम, संज्ञा तालिका, ठीक है। तो संज्ञा में देखो, स, एक वचन में क्या आ गया, स, द्विवचन में क्या आ गया, तो। इनको बोलना भी आना चाहिए, जब तक आप इनका सस्वर उच्चारण नहीं करेंगे तब तक आपको यह जो है समझ में नहीं आएगा, आप लिखोगे रोंग। तो ऊपर डबल मात्रा ऐसे भी लगा सकते हैं, ये रोंग नहीं होती, और आप ऐसे भी लगा सकते हैं। जब हम बड़ी क्लास में हो जाते हैं ना, जब हमारा स्तर हाई हो जाता है, तो हमेशा डबल मात्रा ऐसे ही हम लगाते हैं। तो वहां पर आपको कोई भी संशयात्मक स्थिति नहीं बनानी है, पर अभी आप छोटे हो तो आपको डबल मात्रा ही लगानी है इसे, ठीक है। तो स, तो और ते, स का अर्थ क्या हुआ, वह, एक वचन है इसलिए, तो द्विवचन, दो वचन है, तो वे दोनों। अब यहाँ पे भी कंफ्यूज मत होना कि मैम यहाँ तो वह करवा दिया और यहाँ वे करवा दिया। अभी छोटे बच्चे हो ना, तो हो सकता है कि कंफ्यूज हो ही जाए। तो यहाँ पर वह है और यहाँ वे दोनों, यहाँ पर अगर वह दोनों लिखोगे तो भी रॉन्ग नहीं है, और वे दोनों लिखोगे तो भी रॉन्ग नहीं है। अब ते, बहुवचन है मतलब बहुत सारे हैं, तो वे सब भी लिख सकते हो और वह सब भी लिख सकते हो, दोनों आ सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमने क्या पढ़ा, ये तो हमने पढ़ा पुरुष में, किसमें पढ़ा, पुरुष में पढ़ा, ये पुल्लिंग है, ठीक है। तो स, तो, ते, स माने वह एक वचन के लिए, तो वे दोनों या वह दोनों द्विवचन के लिए, और ते, वे सब या वह सब बहुवचन के लिए। अब ये हमने पुल्लिंग की संज्ञा की है। अभी अगर हमें यहाँ पे स्त्रीलिंग एक वचन में, अगर हमें स्त्रीलिंग पढ़ना है और स्त्रीलिंग की संज्ञा हमें सीखनी है, तो बस दिमाग में डालो कि सिर्फ जो प्रथम पुरुष है वही पुल्लिंग में और वही स्त्रीलिंग में, दोनों में परिवर्तन होता है, बाकी जो सेम, बाकी तो सारा वैसे ही चलता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। तो स्त्रीलिंग में क्या होगा, पुल्लिंग में हमने स किया, अर्थ वही होगा, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में आपके आ जाएगा सा, क्या आ जाएगा, सा। अभी तो जो है इसके स्थान पे आ जाएगा द्विवचन में ते और बहुवचन में ता, ठीक है, समझ में आई बात। एक वचन में क्या आएगा, देखो पुल्लिंग में स, स्त्रीलिंग में सा, अब द्विवचन में देखो पुल्लिंग में तो, स्त्रीलिंग में ते, ठीक है, और बहुवचन में इधर ते और इधर ता,
तो कैसे याद करनी है इसको, सिर्फ इतना सा ही याद करना है, बाकी सब सेम चलता है। तो याद कर लो बस स तौ ते सा ते ता। जब हम शब्द रूप याद करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगी ये टेबल। जैसे देखो रामः रामौ रामा, ठीक है, फिर लता लते लताहा। जब हम शब्द रूप करेंगे तब भी ये टेबल हमें बहुत काम आने वाली है। अब लीजिए मध्यम पुरुष, पहला पुरुष हो गया पुरलिंग और स्त्रीलिंग में, क्लियर है सबको। अब मध्यम पुरुष देखिए, मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम, ठीक है, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। अब इसका अर्थ देखिए क्या बनता है, त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, और बहुवचन में क्या बनेगा, अभी मैंने ऊपर करवाया है, अब आप बताइए दिमाग में आ गई बात, तो यूयम का क्या हो जाएगा, तुम सब, ठीक है। तो ये हमारी मध्यम पुरुष की टेबल, स्त्रीलिंग में भी यही चलेगी, समान है, सिर्फ प्रथम पुरुष में परिवर्तन होगा। तो मध्यम पुरुष एक वचन त्वम, त्वम का क्या अर्थ हुआ, तुम, युवाम तुम दोनों और यूयम तुम सब, आ गई बात समझ में। अब ये जो टेबल मैं आज आपको समझा रही हूं ना, ये अभी से याद कर लो, जब सिक्स स्टैंडर्ड में आप याद कर लोगे ना तो आगे तक जितनी आपको संस्कृत पढ़नी है उतनी समय तक आपको ये काम आने वाली है। अब उत्तम पुरुष देखो, जैसे टू की टेबल सीख लेते हो ना मैथ्स में, जब टेबल हम फिफ्थ सिक्स में सीख लेते हैं तो हमें आगे मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, सेम वही चीज है। अब उत्तम पुरुष में देखिए क्या होगा, अहम आवाम और वयम, ठीक है, अहम आवाम वयम। अहम का मीन्स क्या हुआ, उत्तम पुरुष के लिए मां, मेरे लिए निज, आवाम हम दोनों, और वयम हम सब। तो देखिए अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सेम ही चलेगी, तो ये हमारी एक जो है धातु तालिका संज्ञा की तैयार हुई है, सर्वनाम हम बाद में करेंगे, पहले इसको क्लियर कर लीजिए। तो सबसे पहले हमने धातु तालिका बनाई और हमने पहले ही बता दिया कि जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। उसके बाद में आज हमने संज्ञा ली है और हम संज्ञा की तालिका को समझ रहे हैं। फिर हमेशा से आप पढ़ते आए हो कि पुरुष तीन होते हैं, पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष, ये एक तैयार हो गई। फिर वचन हमने तीन बोले, हिंदी में दो होते हैं एक वचन और बहुवचन, और संस्कृत में कितने होते हैं, तीन, एक वचन द्विवचन बहुवचन। ये देखो एक वचन जिसमें एक का ज्ञान हो रहा है, द्विवचन जिसमें एक से ज्यादा दो का हो रहा है, और बहुवचन जिसमें बहुत सारी का ज्ञान हो रहा है। अब संज्ञा में हमने पहली जो प्रथम पुरुष है उसमें हम पुल्लिंग प्लस स्त्रीलिंग दोनों संज्ञा करेंगे और दोनों अलग अलग होगी, मध्यम और उत्तम में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग समान चलेगी। तो देखिए स तौ ते, ये हो गया हमारा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में क्या बनाया हमने सा ते ता, ये हो गया हमारा स्त्रीलिंग में। अब कहीं पे भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, सीधा पढ़ो त्वम युवाम यूयम, त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब, अहम आवाम वयम, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम सब। तो ये धातु तालिका आपको संज्ञा की धातु तालिका है, ये समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि सर्वनाम की धातु तालिका, मतलब सर्वनाम क्या होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो ये जो टेबल है ये आप अपनी कॉपी में भी उतार लेना ताकि आपको याद हो जाए, और इसको बस आज से पढ़ना शुरू कर दो, और आज से लेके जब तक आप संस्कृत पढ़ते हो तब तक इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं आपको बताती हूँ कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो सर्वनाम की टेबल कैसे बनती है, क्योंकि अभी आप संस्कृत में पढ़ोगे तो आपको संज्ञा सर्वनाम पुल्लिंग सब कुछ पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले तो सर्वनाम, सर्वनाम में आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, संज्ञा में हमने पढ़ा स तौ ते, है ना, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम,
ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। और अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम। कुछ भी नहीं है सर्वनाम में भी, सिर्फ हमें प्रथमा को ही ध्यान देना है, बाकी वो की वो टेबल चलेगी। बस एक बार पहला पहला याद कर लीजिए। देखिए पहले हम करेंगे पुल्लिंग में, ठीक है। एषः हमने संज्ञा में क्या किया था, स, और सर्वनाम में क्या कर दिया, एषः। उसके बाद में हमने उसमें किया था तौ, किया था ना, मैंने आपको मात्रा का भी ज्ञान बता दिया था कि कंफ्यूज नहीं होना इस मात्रा में और उस मात्रा में। तो यहाँ एतौ, ठीक है, एषः की जगह क्या आ गया, एषः, तौ की जगह क्या आ गया, एतौ, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा, वहां पे क्या पढ़ा था हमने संज्ञा में, ते, और यहाँ हम पढ़ेंगे एते। क्लियर, एषः, एतौ, एते, ठीक है। अब इसके बाद में मध्यम पुरुष देखिए। अब मध्यम पुरुष में सेम वही टेबल है जो हमने धातु में पढ़ी थी, त्वम, युवाम और युयम, ठीक है। त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, युयम माने तुम सब। फिर उत्तम में वही आ जाएगी जो हमने संज्ञा में पढ़ी है, अहम, आवाम, वयम। समझ में आई बात। तो सिर्फ हमें क्या याद करना है, एषः, एतौ, एते, ये तो हमने पुल्लिंग में याद किया। जैसे हमने स्त्रीलिंग पुल्लिंग में वहां क्या याद किया था, सैतौ ते, और यहाँ पे भी पुल्लिंग में। अब हमें स्त्रीलिंग में सिर्फ प्रथम जो पुरुष है उसमें हमें स्त्रीलिंग में भी चेंज करना है, ठीक है। तो स्त्रीलिंग में हम क्या चेंज करेंगे, वहां हमने क्या बनाया था, सा ते ता, यही बनाया था ना, सा ते ता। अब यहाँ पे आप बनाइए एषा, स्त्रीलिंग में सा की जगह एषा सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, एते, देखो ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। लता, लते, लताहा, सा ते ताहा, तो सा की जगह क्या आ गया, एषा, ते की जगह क्या आ गया, एते, और फिर क्या किया था हमने, ता, तो यहाँ पे हम कर देंगे एताहा। समझ में आ गई बात। तो हमें धातु तालिका में संज्ञा और सर्वनाम दोनों में, जैसे हम हिंदी में समझते हैं ना, वैसे ही हमें संस्कृत में समझना है, सिर्फ आपको प्रथम पुरुष याद करना है। तो ये तो हो गई हमारी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात। अब इसके बाद में तीन लिंग होते हैं संस्कृत में। एक होता है स्त्रीलिंग जो हमें स्त्री जाति का बोध करवाता है, एक होता है पुल्लिंग जो हमें पुरुष जाति का बोध कराता है, और एक नपुंसक लिंग होता है जो हमें हमें किसी चीज मतलब उसमें हमें बोध नहीं होता। जैसे सामने से मित्र आ रहा है तो मित्र तो कोई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। जब तक हमने उसको देखा नहीं तब तक हम बता नहीं सकते कि मेरी महिला मित्र है या पुरुष मित्र है ना। तो वो नपुंसक लिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नपुंसक लिंग में क्या करना है, यहाँ पर हमने बनाया एषः एतौ एते, एषः एते एता, तो अब हम नपुंसक लिंग में बनाएंगे। नपुंसक लिंग में देखो, मैं आपको ऐसे एक मतलब शॉर्ट रूप में समझा देती हूँ। जब आप शब्द रूप याद करोगे, आप हमेशा दिमाग में बस यही बात डाल लेना कि हमें ऐसे ही याद करना है, बाकी सेम होता है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ प्रथम पुरुष में ही है। तो देखो अब आप, चलो यहां पर देखते हैं अपन, ये टेबल आपको समझ में आ गई, तो अब मध्यम और उत्तम तो सेम ही है, तीनों में सेम है, तो अपन इसको क्या करते हैं, साफ कर देते हैं, ठीक है। और इसमें हम समझ लेते हैं हमारी कौन सी नपुंसक लिंग की। मैंने आपको बताया, अपने दिमाग में यह बात डाल लीजिए तभी याद होगा, हर चीज को हमें ट्रिक से याद करना चाहिए। देखो जैसे आपने याद किया, ये तो सभी को याद हो जाता है, कोई ऐसी कोई मतलब कठिनता वाली तो बात है ही नहीं, है ना। तो आप देखो अभी से मेरे पीछे पीछे बोलो तो आपको याद ही हो जाएगा अभी की अभी, है ना। तो देखो जैसे कहते हैं ना, हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सेम वही चीज है। देखो अभी मेरे साथ बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा, फलम फले फलानी, हमने फल का शब्द रूप पढ़ा। अब ये तो शब्द रूप है, अब हमें क्या करना है, इसमें सर्वनाम लेना है। क्या लेना है, सर्वनाम। तो कैसे लोगे, बस इसको ऐसे ही याद कर लो आप, एतत्, एते, एतानी, हो गया याद। कैसे याद करोगे, फलम फले फलानी, एतत, एते, एतानी, बस दो बार बोलो चार बार बोलो याद, फलम फले फलानी, एतत, एते, एतानी। तो
ये हो गई हमारी सर्वनाम की टेबल। देखो अब मैं यहां पर एक बार आपको समझा देती हूं दोबारा से। सर्वनाम में प्रथम पुरुष में पुरलिंग में एषः, अर्थ वही होगा जो हमारा पुरलिंग में जब हमने संज्ञा पढ़ी थी, वह वे दोनों वह सब वही अर्थ है। एषः द्विवचन में एतौ और बहुवचन में एते। फिर यहाँ पे स्त्रीलिंग में देखो वही प्रथम पुरुष में एषा एते और एता, और अब नपुंसक लिंग में लेंगे तो क्या बनेगा, एतत एते एतानी। तो आपको समझ में आई ये पूरी टेबल मैंने आज इसलिए समझाई है, जब हम संस्कृत के पाठ का अध्याय करेंगे, जैसे आपने वन चैप्टर अभी पढ़ लिया और वन चैप्टर में जैसे एक है कि वह बंदर है या वह दो बंदर है। अब आप यहाँ पर एक बात समझो कि मान लो यह आया कि वह दो बंदर है, ठीक है, वह दो बंदर है, एक सेंटेंस मान लो ये वाक्य है कि वह दो बंदर, ठीक है। अब आपको पता लग गया ना, हमने धातु तालिका पढ़ी तो वह को क्या कहते हैं, स। वह को क्या कहते हैं, स। ये तो हमें पता लग गया, तो हमें इसका ट्रांसलेट आ गया कि वह स होता है। अब यहाँ पर दो आया तो हर जगह तो धातु तालिका नहीं लगा सकते ना। अब आप सोच रहे हो कि तऊ, दो को तऊ बोलते हैं तो यहाँ तऊ लगा दूं, ऐसा नहीं होता। अब हमें जब हम इस टेबल को समझ लेंगे तब हम वाक्य बनाने भी सीख लेंगे। जैसे दो है तो कल हम जैसे धातु अगली तालिका पढ़ेंगे, पठती पठत पठंती, पठती पठत पठंती, तो यहाँ पे दो है और कौन है, बंदर। बंदर को क्या बोलते हैं, सबको पता है ना, कपीश मरकट वानर। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, राम है राम और रामा तो वानरो, ये सब। इसीलिए मैंने आज आपको पहले धातु तालिका का अध्ययन करवाया है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब तक आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम ऊपर चढ़ना होता है तो ऐसे तो नहीं है कि चलो दो सीढ़ी को लांग करके तो हम ऊपर चढ़ सकते हैं, है ना, पर कहीं ना कहीं लग ही जाएगी। पर आप कोशिश करो कि पांच सीढ़ियों को लांग करके सीधा ही ऊपर चला जाऊं, तो ऐसा तो होता नहीं है और हो भी नहीं सकता। तो हमें संस्कृत में अभी आपने चैप्टर्स कर लिए हैं, पर हमें अब स्टेप बाय स्टेप जो है सीखना है। तो आज हमने धातु तालिका पढ़ी, ठीक है, जिसमें हमने संज्ञा की धातु तालिका पढ़ी, हमने सर्वनाम की धातु तालिका पढ़ी, प्लस आपको ये भी बताया कि नपुंसक लिंग में जो है वो कैसे बनते हैं, स्त्रीलिंग में, पुरलिंग में और नपुंसक लिंग में किस प्रकार से बनते हैं। तो मेरे अनुमान से आपको ये समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई समस्या लगती है, एक बार करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, जितना आप अभ्यास करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो आज जो मैंने आपको टेबल बनवाई है, आप इसको कॉपी में लिखिए, इसको याद कीजिए, और कल जब हम अगला अध्याय करेंगे इससे रिलेटेड जब करेंगे तो आपको वो स्वयं में भी आने लग जाएंगे, अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे। तो सबको समझ में आ गया।